ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिमंडी शहर से अपहरण हुआ एक वर्षीय बच्चा उत्तर प्रदेश से बरामद हुआ है। बच्चा अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर सो रहा था, उसी वक्त एक साल के कुमार आशिक की दो लोगों ने अपहरण कर लिया था। इस बच्चे का अपहरण 2 और 3 जून के दरमियान हुआ था, जिसकी शिकायत भिमंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो जांच में बच्चे को बेचने की बात सामने आई, मगर पुलिस को बड़ी कामयाबी तब मिली जब हिस्ट्री शीटर रोहित कोटेकर और सूरज सोनी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कोटेकर और सोनी ने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए बच्चे का अपहरण किए थे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नेपाल सीमा से सटे एक सौदा गांव को इस बच्चे को भेज दिया गया था, मगर पुलिस ने अपनी टीम भेजकर इस बच्चे को वापस मुंबई लाई और इस बच्चे के माता पिता को सौंप दिया। वहीं कोटेकर और सोनी ने ज्यादा पैसे जल्दी कमाने के लिए बच्चे का अपहरण किया था। फिलहाल हंसता मुस्कुराता हुआ ये बच्चा एक बार फिर अपनी मां के गोद में है और ये दोनों आरोपी फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।